लखीसराय में पुलिस ने लूट मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। कर्ज के बोझ तले दबे युवक ने अपने शिक्षक बेटे के साथ मिलकर खुद ही लूट की साजिश रच डाली। 5,61,425 रुपये लूट मामले की खबर सुनकर पुलिस के भी उस वक्त होश उड़ गए थे, लेकिन जब एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने मामले की जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। साथ ही लूट के सभी पैसे सुरक्षित बरामद कर लिए गए। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि एसआईटी में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अब जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल 11 अगस्त को शहर के दाल व्यवसायी संजीत कुमार अपने स्टाफ विनोद कुमार साव के साथ लूट की वारदात का मामला दर्ज करवाने नगर थाना पहुंचे। व्यवसायी के द्वारा बताया गया कि मेरा स्टाफ मुंगेर से तगादा के 5,61,425 रुपये वसूल कर लखीसराय लौट रहा था, लेकिन शहर के विद्यापीठ चौक के समीप बाइक सवार हथियार से लैस अपराधियों ने पैसे लूट लिए। इस मामले में एसपी ने एसआईटी गठित की, जिसके बाद पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि युवक कर्ज से परेशान था और अपने बेटे के साथ मिलकर लूट की खौफनाक साजिश को खुद ही अंजाम दे दिया। सुनिए एसडीपीओ रंजन कुमार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। 11 अगस्त को शाम को 8:30 बजे करीब एक नगर थाना पे एक सूचक है संजीत कुमार, पिता श्री गोपाल प्रसाद साहब साकिम नया बाजार लखीसराय, इनके द्वारा बताया गया कि इनका स्टाफ विनोद कुमार साहब जो है सुबह से तगादा के लिए मुंगेर गया हुआ और मुंगेर से तगादा कर लौटने के क्रम में उसके तगादा में कुल मतलब 5,61,425 रुपया जो विद्यापीठ चौक के पास चार अपराध कर्मियों द्वारा हथियार दिखाकर उसको लूट लिया गया। इसकी सूचना सूचक के भाई को विनोद साहु द्वारा दी गई। तत्काल रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टेक्निकल सेल और नगर थाना अध्यक्ष और कवैया थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के साथ एक टीम बनाया गया कि इस कांड का उद्भेदन जल्दी से जल्दी हुए। टेक्निकली रूप से अनुसंधान कर के क्रम में और हम लोग जो उसका एनालिसिस किए तो इस मामले में बड़ी गड़बड़ी दिखी, और गड़बड़ी इस तरह दिखी कि जो तगादा करके लाने वाला जो स्टाफ है विनोद कुमार साहब उसी के द्वारा अपने बेटे के साथ मिलकर और कुल राशि 5,61,425 रुपये जो है वो अपने पास रख के और उसको लूट का अंजाम दिया गया। कांड के अनुसंधान में जब टेक्निकल एनालिसिस हुआ उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में टूट गया और उसके द्वारा बताया गया उसके और उसके बेटे के निशानदेही से लोकनाथ कॉम्प्लेक्स स्थित उसके बेटे के कोचिंग से सारी राशि जो है 5,61,425 रुपये उनके निशानदेही पे बरामद कर लिया। इस तरह इनकी मनसा पे जो है पानी फिर गया और एक मतलब गबन के लिए ये लोग जो एक बड़ा अंजाम दे रहे थे जिसके इसको उसका उद्भेदन हो गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों अरेस्ट है, दोनों जेल जाएंगे, पूरा पैसा बरामद है। और इस क्रम में जो टीम है उसको पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा प्रोसीड करने। सर जिस पर आरोप लग रहा था उसमें और इसमें कुछ विवाद था पहले से क्या कुछ है? नहीं नहीं एक्चुअली ये कर्ज में दबा हुआ था और बताया कि उसी के लिए मालिक इसको अक्सर भेजते थे कि भाई आप मंगल के मंगल वसूली करने जाता था मुंगे, कभी 4 लाख कभी कुछ, और इसी क्रम में इसको मन में था कि एक साथ इतना अमाउंट हम नहीं कर लें। और जैसे सीडीआर में बहुत सारा चीज़ आया जो कहीं और है कहीं और बता रहा है उस समय घटना के समय सारा चीज़ जो है बाप बेटा मिलकर मतलब एक साथ लूट की प्लानिंग। धन्यवाद।